हाय बच्चे, स्वागत है आप लोगों का सेट नंबर 6 एनटीपीसी में। और मैं शशांक शेखर आप लोगों को साइंस के प्रश्नों का डिस्कशन कराऊंगा। चलिए सेट नंबर 6 में चलते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, देखिए सीधे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। किस पर? 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर प्रश्न, यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि विषाणु, बच्चे वर्ड यूज हो रहा है विषाणु। तो विषाणु, विषाणु क्या होता है? तो विषाणु आपको पता है कि यह जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, एक चीज। दूसरी चीज क्या कि विषाणु जो होता है यह आपको आपका न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, ठीक है, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, किसका बना होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। विषाणु के बारे में सबसे पहले इवानोस्की ने बताया था, इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने विषाणु के बारे में बताया था। और विषाणु में, विषाणु अगर हम बात करें तो विषाणु के दो प्रकार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस आरएनए वायरस होता है, प्लांट वायरस ये आरएनए का बना होता है, आरएनए मैक्सिमम इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा वायरस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरस, यानी यह एनिमल वायरस है। कौन सा है? एनिमल वायरस यानी डीएनए वायरस। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि विषाणु जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है और इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। तो बच्चे डीएनए और प्रोटीन की मौजूदगी होगी, ये सही है, ठीक है। परपोषी कोशिकाओं, ये देखिए कभी भी यह जो है आपको अकेले डेवलप नहीं कर सकता, ये इसको क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए, वहीं पर ये डेवलप कर सकता है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होता है, ये भी सही है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते। जनरली प्लांट सेल्स में, प्लांट्स जो होता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होगा? कोशिका भित्ति, याद रखिएगा ये सेलुलोज का बना होता है, एकदम याद रखना है आपको। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक उगते हैं। देखिए कीटभक्षी पौधे की बात अगर करेंगे तो कीटभक्षी पादपों में कौन कौन होता है, कीटभक्षी, ठीक है, पौधों में कौन कौन होगा? तो कीटभक्षी पौधों में बच्चे कौन कौन होगा? तो यहाँ देख लीजिए, नेपेंथिस, नेपेंथिस होता है कीटभक्षी पादप। एक होता है ड्रोसेरा, याद रखिए डोरसेरा, डोरसेरा ये होता है। तो ये सब आपको कीटभक्षी पादप हैं और ये उसी मृदा में उगते हैं जहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। बच्चे नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी उसी, ठीक है, क्षेत्र में यह क्या होता है, अधिकतम उगता है और ये अधिक पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। यहां देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है इसको नेट्रियम कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या 11 है। कैल्शियम, इसकी परमाणु संख्या 20 है। ये, ठीक है, सोडियम जो है ये क्षार धातु है, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और याद रखिए ये भी क्षारीय मृदा धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ की ढाल किसका मान देता है। ये देखिए ये वेग समय ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वेग समय ग्राफ है। तो पहले तो वेग समय ग्राफ किसका मान देगा? तो वेग समय ग्राफ की अगर ढाल निकालेंगे बच्चे, वीटी ग्राफ की ढाल, तो ढाल निकाल लीजिए ना, ये देखिए ये थीटा है, थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वीटी ग्राफ की ढाल, ढाल जब भी करेंगे तो क्या होगा, ये टेन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। और टेन थीटा के बराबर जब भी होगा तो याद रखिएगा ये क्या होगा, वी बटे टी हो जाएगा। और वी बटे टी किसका मान देता है? तो बच्चे त्वरण का मान देता है। तो ये त्वरण का मान देगा, यानी वेग समय ग्राफ की ढाल किसका मान देता है? त्वरण का मान देता है। और वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल किसका मान देगा? ग्राफ का एरिया, एरिया ये मान देता है बच्चे, दूरी का मान देता है। किसका मान देगा? दूरी का मान देता है। और विस्थापन देखिए, तो दो, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि चाल क्या होता है? तो दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए नींबू के रस का पीएच मान,
ठीक है, निम्न में से कौन सा होता है? तो आंसर तो एक मिनट में मार देंगे, ये देखिए 2.4 होता है बच्चे, कितना होगा 2.4 होगा। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा 2.4 होगा। कुछ चीजों का पीएच मान आप देख लीजिए, यहां पहले देख लेते हैं, ये देखिए ये उदासीन जल का पीएच मान है, कौन सा? उदासीन जल का पीएच मान है। यहां देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान बच्चे 6 होता है। फिर देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का भी पीएच मान कितना होगा? 6 से लेकर के 6.4 के बीच में होता है, 6 से 6.4 के बीच में दूध का पीएच मान होता है। तो ये सब याद रखनी चाहिए आपको। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 14 होता है। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, इसका पीएच मान 10.5 होता है बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो सीधे आते हैं हम लोग, 1 मोल CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो बच्चे 1 मोल CO2 की बात कर रहा है, 1 मोल CO2 मतलब क्या हो गया? तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 यानी 44 ग्राम हो गया, और इसे ही 1 मोल कहा जाता है। तो 44 ग्राम बराबर 1 मोल, और 1 मोल में पदार्थों की संख्या 6.022 × 10²³, या तो एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, और इसे ही हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। याद रखना है कौन सा संख्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं बच्चे, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर का मतलब हुआ 6.022 × 10²³। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। क्या हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। यहां देख लीजिए, ये देखिए, जीवों में यूरिक एसिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में देखिए यूरिक एसिड किससे बनेगा? तो बच्चे जब भी यूरिक एसिड की बात होगी तो यह एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। ये किससे बनेगा? एमिनो एसिड से। किसका निर्माण होगा बच्चे? तो एमिनो एसिड से निर्मित होता है यूरिक एसिड। एमिनो एसिड से क्या बनता है? तो एमिनो एसिड से अमोनिया बनेगा, ठीक है। अमोनिया से क्या बनेगा? यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और यह आपके, ठीक है, जोड़ों में जम जाता है। जोड़ों में क्या होगा? जम जाता है, और यही निर्मित करता है क्या? यही निर्मित करेगा, ठीक है, आपको गांठ बनाएगा। क्या बनाएगा? गांठ बनाएगा। तो किससे बनता है? ये गाउट रोग होता है, ठीक है, गाउट रोग होता है, या अर्थराइटिस इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस रोग। देखिए फैट जो है वसा, ये ट्राइग्लिसराइड होता है। फैट किसका बना होता है? तो ट्राइग्लिसराइड बना होता है, ट्राइग्लिसराइड का। और बच्चे क्या होता है कि मनुष्य जो है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होता है फैट, और मनुष्य जो है उसमें स्टार्च किसके रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, और सेलुलोज मनुष्य पचा नहीं सकता है। और सेलुलोज जब भी बात करेंगे तो सेलुलोज, ठीक है, आपको क्या होगा? स्टार्च के ही रेशो के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। यहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी, तो पृथ्वी के सतह से आर दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बच्चे ये देखिए, ये क्या है कि पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, आपको जी का मान दिया हुआ, जी है, तो जी बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। कह रहा है कि इससे, ठीक, आर दूरी पर, पृथ्वी के सतह से आर दूरी, तो कुल दूरी कितना हो गया? तो ये आर प्लस आर यानी 2r दूरी हो गया। तो बच्चे जी डैश यानी गुरुत्वीय त्वरण, नया गुरुत्वीय त्वरण जी एम तो होगा ही होगा, बटा 2r का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो बच्चे क्या हो जाएगा? तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4, और जी एम बटा आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, तो 1/4 हो गया, 1/4, तो जी बटा क्या हो जाएगा? 4 आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? तो सी नंबर आंसर होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण बार बार क्वेश्चन आता है, गुरुत्वीय त्वरण ये किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 2 कारकों पर निर्भर करेगा। तो पहला तो क्या है? द्रव्यमान पर, केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर, केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और दूसरा क्या, ठीक है, त्रिज्या पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या या केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है जिसके लिए आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करेगा।
चलिए तो ये बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका, यहाँ देख लीजिए। तो निम्न में से कौन सा, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा है? सोडियम एन ए प्लस, यहाँ देखिए एन ए प्लस, तो एन ए प्लस है बच्चे, तो एन ए प्लस है, तो ये न्यूऑन का स्ट्रक्चर है, याद रखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, 1s2 2s2 और 2s2 और 2p6, और 3s1 तो इसने त्याग दिया है, तो ये इसका भी देख लीजिए 1s2 2s2 2p6, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाता है बच्चे। Al2+ का क्या होगा, तो Al2+ यानी 13 में से 2 चला गया 11, यानी सोडियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s, ठीक है, और 1 हो जाएगा। तो ये देखिए तो किसका हो रहा है, तो सोडियम का ये हो जा रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का 19 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे ऐसे भी आंसर आपको पकड़ में आ जाता है, ए नंबर आंसर होता है। क्या होता है? ए नंबर आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो एंट्रोपी, एंट्रोपी जब भी एंट्रोपी की बात करते हैं तो याद रखना है एंट्रोपी क्या होगा, तो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा और, ठीक है, ऊष्मा बटा क्या होगा तापमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसको एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी लीजिए तो ये हो जाएगा जूल पर कैलविन, जूल पर कैलविन इसका यूनिट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर कैलविन हो जाएगा। याद रखिएगा कि कैलविन जो है वह एसआई पद्धति में, कैलविन एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक है, तापमान का मात्रक किस पद्धति में, एसआई में तापमान का मात्रक है, किस पद्धति में बच्चे, तो एसआई पद्धति में, एसआई में, ठीक है। और यहाँ जूल की बात करते हैं तो एक जूल बराबर क्या होगा, 10^7 अर्क्स होता है, याद रखना है 10^7 अर्क, और एक न्यूटन बराबर क्या होगा, तो 10^5 डाइन होगा, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, यह देख लीजिए सीधे अब हम, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है नेप्थलीन एसिटिक एसिड एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है बच्चे, क्या है ये, हार्मोन है ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड एक प्रकार का, ठीक है, क्या है, एन ए ए कहते हैं हम इसको, और ये एक प्रकार का, याद रखिएगा कि यह आपको प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, इसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान में रखना है बच्चे एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि हार्मोन जो है वह बायो कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है, किसकी भांति कार्य करेगा, बायो कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है ध्यान में, कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, कौन सा ऑक्सिन, ये क्या होगा, खरपतवार नाशी होता है, प्रकाशानुवर्ती होता है, खरपतवार नाशी होगा, और ठीक है यह जो हार्मोन होता है, यह आपको ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि खरपतवार नाशी में कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है बच्चे, और तो वह हार्मोन जो पौधों को प्रकाश की ओर मोड़ता है वह ऑक्सिन हार्मोन है। यहाँ देखिए प्रोटीन या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और किसका बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है। फैट मैंने अभी तुरंत बताया था कि फैट जो है वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड का बना होता है, किसका बना होगा, ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी बच्चे, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टरनर ने की थी, और ये देखो हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर कौन है, तो आपको पता होगा कि ये जो हॉपकिंस जो है इसने विटामिन्स की खोज की थी, विटामिन्स की खोज किसने की, तो हॉपकिंस ने किया था, ध्यान में रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड 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 ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप, और आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए, ठीक है, बी, ए बी, और क्या होगा, ओ होगा, ए जो है वो क्या होगा, ए, ठीक है, ए बी, ए बी मतलब नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं, यानी ठीक है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं इसको, किसी से भी यह रक्त ले सकता है, और यहाँ पर ठीक है एंटीबॉडी पाया जाएगा, नो एंटीजन, यहाँ एंटीजन नहीं पाया जाता, और यह जो है ठीक है आपको किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक
के तत्व दुर्लभ तत्व या रेयर अर्थ मेटल्स होता है। तो बच्चे ये एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। यहाँ देखिए एस ब्लॉक, ठीक है, ये जनरली धातु होता है, अपवाद केवल एक है हीलियम, याद रखना है हीलियम आपका अपवाद है, ठीक है। ये पी ब्लॉक में आ जाता है, लेकिन होना चाहिए किस में, 1s2 यानी एस ब्लॉक में ही होना चाहिए था, ठीक है। पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी होते हैं, इसमें धातु, ठीक है, अधातु और क्या होगा, उपधातु सभी होते हैं, अधातु और उपधातु होते हैं। चलिए डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक में क्या होगा, तो डी ब्लॉक में धातु, ठीक है, धातु होगा, केवल और केवल धातु होगा। एफ ब्लॉक की बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक में दो तरह का बात होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक में 57 से अगर 71 है बच्चे, 57 से अगर 71 है तो इसको लेंथेनाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स कहेंगे। और ठीक है 89 से 103 अगर होगा तो उसको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो ध्यान में रखनी है आपको, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक हो जाता है, एक हो जाता है 4F, दूसरा हो जाता है 5F। लेंथ है 4F जो है वह लेंथेनाइट्स और 5F जो है वह एक्टिनाइट्स होगा। 4F और 5F ध्यान में रखिएगा, 4F और 5F लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, भारी मृदा तत्व और दूसरा जो हो गया या दुर्लभ तत्व रेयर अर्थ मेटल्स, और 5F जो है लेंथ एक्टिनाइट्स होता है यानी रेडियो सक्रिय तत्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कह रहा है कि गुणक 10^-15 किसको। देखिए -15 अगर होगा तो इसको हम फर्मी या फेमटो बोलते हैं, फर्मी या फेमटो बोलते हैं बच्चे, फेमटो बोलेंगे। अगर 10^12, ठीक है, 12 हो जाएगा तो उसको हम लोग टेरा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेरा। लेकिन 10^-12 हो जाएगा तो इसको हम पीको बोलते हैं। 10^9 अगर 9 हो जाता है तो इसको हम गीगा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गीगा बोलते हैं। और 10^-9 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलते हैं या माइक्रोन बोलते हैं। और अगर ध्यान में रखिएगा कि अगर, ठीक है, 10^6 हो जाए तो इसको मेगा बोलते हैं। लेकिन ठीक है अगर 10^-6 हो जाए, तो इसको हम माइक्रोन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, माइक्रोन या माइक्रो बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है -15 तो फर्मी या फेमटो होगा, फर्मी या फेमटो होगा बच्चे, फर्मी या क्या हो जाएगा, फेमटो होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका, यदि किसी तत्व के परमाणु में 12 न्यूट्रॉन एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा कि उदासीन परमाणु, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो इसीलिए परमाणु क्या है, परमाणु हमेशा उदासीन या न्यूट्रल होता है बच्चे, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होता है, जब भी न्यूट्रल होगा तो इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ, ठीक है, किसके, प्रोटॉन्स की। तो बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो कितना है, 11 है, तो 11 ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11। लेकिन यही अगर द्रव्यमान संख्या पूछता तो n प्लस p हो जाता और तब क्या करते, 12+11 कर लेते, तब जाकर के 23 हो जाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और तभी वो उदासीन परमाणु होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी पदार्थ के 1 kg का द्रव्यमान, यहाँ देखिए किसी पदार्थ को अगर आप उष्मा देंगे तो वह उष्मा उसके द्रव्यमान का समानुपाती और उसके तापमान में वृद्धि का भी क्या होगा, समानुपाती होगा। दोनों से निकाल लीजिए, क्यू बराबर Cm ΔT, और यही सी विशिष्ट उष्मा है, क्या है, विशिष्ट उष्मा है, और याद रखिए बच्चे विशिष्ट उष्मा है, और ये हो जाएगा Q/m ΔT, और क्यू क्या होता है, तो जूल हो गया, और ये केजी हो गया, और केल्विन हो गया। तो अगर 1 kg की वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा कहेंगे, क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा कहेंगे। और याद रखिएगा, ठीक है, कि एक ग्राम बर्फ को या 1 ग्राम, ठीक है, जल को, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को जल में, ठीक है, सेम पर 0°C 0°C तापमान पर, और 1 ग्राम जल को, ठीक है, 1 ग्राम जल यानी कितना डिग्री, 0°C पर, उसको 1 ग्राम बर्फ में, 1 ग्राम बर्फ में कितना डिग्री सेल्सियस, तो बच्चे 0°C पर बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। कौन सा उष्मा कहेंगे, गुप्त उष्मा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु को समान तापमान, किसी वस्तु के समान द्रव्यमान को समान तापमान पर उसके अवस्था परिवर्तन के लिए यानी चेंज ऑफ स्टेट के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा,
ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज़ है, तो उसका आवर्त काल का मान निकालिए। देखिए ठीक है, आवृत्ति आपको पता है, आवृत्ति आपको दिया हुआ है, बराबर 1/ आवर्त काल होता है बच्चे, आवर्त काल हो जाएगा, तो निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आवर्त काल टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/ आवृत्ति एन, यानी 1/100 बराबर 0.01 सेकेंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 सेकेंड। याद रखिएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है बच्चे। आवृत्ति बराबर 1/ आवर्त काल होता है। आवर्त काल यहाँ निकालना था, निकाल लिया मैंने। यहाँ देखिए ये एन है आवृत्ति और ये क्या है, टी है आवर्त काल। चलिए तो ध्यान में रखना है इसको, ये निकल जाएगा फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, इसरो द्वारा भेजे गए जाने वाले सोलर मिशन का क्या नाम है, तो आदित्य L1 नाम है। और याद रखिएगा ये 2019 में भेजा गया, और अभी 2019 में आपको पता है कि बार बार हम चर्चा करते हैं कि आपको मंगल मिशन मतलब चंद्रयान मिशन 2 भेजा गया था, 2008 में चंद्रयान मिशन 1 भेजा गया था। मोम जो है वह ठीक है, आपको पता होगा कि 2014 में भेजा गया था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये सब बातें याद रखनी है। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी, और यह संस्था जो है ठीक है जिम्मेवार है भारत में जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित कार्य होते हैं, उसका नियंत्रण नियमन और विनियमन करने का कार्य कौन करेगा, तो इसरो करता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, एक गेंद एक ऊंची इमारत से 9.8 m/s² की समान त्वरण से गिरती है 3 सेकंड के बाद। देखिए बच्चे, जब भी वस्तु ऊपर से गिरती है तो ऊपर महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो वेग प्रति सेकेंड GT से क्या होगा, बढ़ता जाता है जब नीचे गिरता है वस्तु। जब नीचे गिरेगा गेंद, जब नीचे गिरेगा तो उसका वेग कितना से बढ़ता जाएगा, प्लस GT से। तो V बराबर U प्लस क्या हुआ, GT। तो U का मान क्या है बच्चे, 0 है, प्लस G का मान क्या है, 9.8। T का मान कितना, 3, यानी 29.4 m/s से वह क्या होगा, पृथ्वी से जा टकराएगी। याद रखिएगा 29.4 m/s से यह पृथ्वी से टकराएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, समकोण पर झुके, समकोण पर ये 90 degrees पर झुका हुआ है, ठीक है दो मिरर है, यहाँ 90 degrees है, समकोण पर झुके क्या कह रहा है, समकोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकालें, तो एन बराबर क्या हुआ, 360 degrees/θ। बच्चे अगर ठीक है एन बराबर सम तो -1 कर दीजिए प्रतिबिंबों की संख्या, एन बराबर अगर क्या ठीक है एन बराबर ये एन बराबर क्या हुआ सम होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या करेंगे, -1 निकालेंगे, एक घटा देंगे, और एन बराबर अगर विषम होगा तो वही छोड़ देंगे, विषम होगा तो बराबर क्या हुआ एन प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, ये एन -1 प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कितना कह रहा है, तो एन बराबर 360 degrees/90 degrees के कोण पर झुका हुआ है, तो बच्चे ये 4 निकल गया, 4 क्या है सम है कि विषम है, सम है, -1 कीजिए कितना हो गया, 3 प्रतिबिंबों की संख्या होगी, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है। याद रखिएगा कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से ठीक है दो एक दूसरे के समानांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। ये देखिए दो वस्तु है, दो समतल दर्पण है, वो एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, तो अनंत बनती है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि MKG के किसी वस्तु का पलायन वेग भी हो तो 2 mkg की वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। देखिए पलायन वेग बच्चे ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग जो है √2gr होता है, और पलायन वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है बच्चे, क्या होगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या गुरुत्व त्वरण और ठीक है आपको किस पर, तो त्रिज्या पर निर्भर करेगा, केंद्रीय वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो ये चेंज ही नहीं होगा, ये सीधा क्या हो जाएगा वी ही रहेगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्या ध्यान में रखना है कि पलायन वेग जब भी हम चर्चा करते हैं, पलायन वेग जब भी चर्चा करते हैं, तो किसी वस्तु पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग, या किसी भी ग्रह पर रखी किसी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे वह क्या होगा ठीक है वह अंतरिक्ष में पलायित हो जाएगा, पुनः पृथ्वी पर नहीं आएगा। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग बच्चे याद रखना है, पलायन वेग कितना होगा, तो पलायन वेग है पृथ्वी का ये है 11.2 km/s। अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो 2.38 km/s हो जाता है, अगर सूर्य की बात करते हैं तो 42 km/s हो जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांच से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर किस रंग की गति सबसे कम होगी। यहां देखिए तो ये गुजर गया, तो बच्चे
याद रखना है आपको, किस रंग की गति पूछ रहा है सबसे कम होगी, तो गति की बात कह रहा है, तो ये देखिए जिसका सबसे कम वर्ण विक्षेपण होगा उसकी गति सबसे अधिक होती है, यानी लाल की गति, लाल की गति याद रखिएगा, लाल की गति सबसे अधिक, गति सर्वाधिक, जबकि बैगनी की सबसे कम होती है, ध्यान में रखिएगा बैगनी की सबसे कम होगी, यानी जिसका वर्ण विक्षेपण जितना अधिक होगा बैगनी की सबसे कम होगी, ध्यान में रखिएगा जिसका, ठीक है, वर्ण विक्षेपण जितना कम उसका गति उतना ही अधिक, और जिसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा कि अधिक उसका गति क्या होगा कम हो जाएगा, तो सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम गति किसकी होगी, तो बैगनी रंग की होगी, क्योंकि इसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा यदि प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, और इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चे ये सेट नंबर 6 का डिस्कशन है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिए, ठीक है, इससे लाभ उठाइए और सफलता अर्जित कीजिए। मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 7 में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।